हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विथ न्यू वीडियो फॉर यू दैट इज टेस्ट थर्ड। दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका राज एग्रीकल्चर एजुकेशन चैनल में। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर, जो कि आपको अच्छे से मालूम है। दोस्तों, हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, विच केमिकल इज यूज्ड फॉर डिग्रीनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो दोस्तों, इसका मीनिंग ये है कि जो फ्रूट्स का डीग्रीनिंग करते हैं, मीन्स जो डीग्रीनिंग आप समझ लिए पहले, तो डीग्रीनिंग क्या होता है कि कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो पकने के बाद भी ग्रीन रहते हैं, हरे रहते हैं, तो उनका एक अच्छा मार्केट प्राइस नहीं मिलता है। तो दोस्तों, उसको हटाने के लिए, उसमें येलो कलर लाने के लिए जो केमिकल यूज करते हैं, उसको डीग्रीनिंग बोलते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन आई भी है, दूसरा है साइटोकाइनिन, एंड थर्ड है जिब्रेलिक एसिड, एंड फोर्थ है इथिलीन। तो कौन सा सही आंसर है दोस्तों, गेस कीजिए दोस्तों, क्या है सही आंसर है इसका। तो इथिलीन इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, आपको इसको इस बाजार में इसको इथेफोन के नाम से भी ये मिलता है, तो आप देख लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको इन सब के बारे में इसके इम्पोर्टेंट फंक्शंस मालूम होना चाहिए। तो इसका आईबी का मेन फंक्शन क्या होता है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? वैसे तो रूटिंग हार्मोन है, अगर अपन ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन का मेन फंक्शन क्या होता है? सेल एलोंगेशन और एपिकल डोमिनेंस, साइटोकाइनिन का होता है दोस्तों सेल डिवीजन करना, साइटो और काइनिन, साइटो मीन्स सेल और काइनिन मीन्स तोड़ना। जिब्रेलिक एसिड का मेन फंक्शन होता है इंटरनोडल लेंथ बढ़ाना, मतलब सेल एलोंगेशन करना है। और दूसरा इथिलीन का होता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, मेन फंक्शन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो मैंने आपको चार ऑप्शंस बताए हैं, इससे भी आगे डीप में आपको कुछ और बताने वाला हूँ। पर सबसे जो इसमें इथिलीन के फंक्शंस के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों, इथिलीन का जो प्रिकर्सर क्या है, मिथिलीन एंजाइम है। आप इसको याद रखिए, बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, क्या है इसका प्रिकर्सर? मिथिलीन एंजाइम। दूसरा, इसके फंक्शन क्या है? फ्रूट राइपनिंग करता है, ठीक है, आपको सेक्स एक्सप्रेशन करता है। क्या करता है? सेक्स एक्सप्रेशन, कुकुरबिट्स जो होता है ना, क्रॉप्स, कुकुरबिट्स सेक्स एक्सप्रेशन करता है। ये फीमेल फ्लावर प्रोडक्शन बढ़ाता है। क्या दोस्तों? फीमेल फ्लावर प्रोडक्शन बढ़ाता है। दोस्तों, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर में सिंपल क्वेश्चन आते हैं, प्लीज डीप नहीं पढ़ना है। जिनकी स्ट्रेटजी अगर डीप पढ़ने की रहेगी, वो उनसे थोड़ा सा गलती हो सकती है। थर्ड फंक्शन है प्लूमल हुक फॉर्मेशन। दोस्तों, जिनको प्लूमल हुक फॉर्मेशन अगर अच्छे से समझना है, तो हमारा फंक्शन ऑफ इथिलीन जो पिछला वीडियो है उसको देख लें, इसके एंड स्क्रीन पर भी आएगा, इसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप मेरे चैनल पर जाके देख लें। तो दोस्तों, इसका प्लूमल हुक फॉर्मेशन है। नेक्स्ट वो है ट्रिपल रिस्पॉन्स। दोस्तों, ट्रिपल रिस्पॉन्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थोड़ा अगर स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है तो पूछ लेता है ट्रिपल रिस्पॉन्स किससे होता है। तो इस पर भी हमने वीडियो में डिटेल से बताया है, इसको भी आप देख सकते हैं। थर्ड वन है फ्लावरिंग, किस में करता है? दोस्तों, आपको पता है कि ये पाइनएप्पल में फ्लोरिंग करता है, जो इथेफोन वगैरह से जो यूज होता है। सेनेसेंस, तो सेनेसेंस करता है दोस्तों, सेनेसेंस पे भी हमने बहुत ब्रिटल में पिछले वीडियो बनाया, उसको आप देख सकते हैं, इतनी फंक्शन वाले में। एब्सिजन ऑफ लीव्स का झड़ जाना, एजिंग, बहता बुढ़ापा, ये सब आता है, एब्सिजन होता है। ब्रेकिंग डोरमेंसी ऑफ सीड, ये दोस्तों क्या है? एंड बर्ड्स, स्ट्रॉबेरी एंड एप्पल में क्या करता है? डोरमेंसी ब्रेकिंग करता है। ये इथिलीन के सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। चलो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, फ्रूट राइपनिंग करता है, सेक्स एक्सप्रेशन करता है, प्लूमुलर हुक फॉर्मेशन करता है, ट्रिपल रिस्पॉन्स करता है, फ्लावरिंग करता है, सेनेसेंस करता है, एब्सिजन ऑफ लीव्स करता है, ब्रेकिंग डोरमेंसी स्ट्रॉबेरी और एप्पल में करता है। दोस्तों, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस। तो ये कहाँ पर दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन USA, सेकेंड बेल्जियम, थर्ड फ्रांस, एंड फोर्थ ब्राजील। तो दोस्तों, आपको इसको मतलब पता होना चाहिए, इसका सही आंसर है बेल्जियम में है। तो दोस्तों, हम इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं कि इसका मेन एम क्या है।
इट्स एम टू प्रमोट एंड एंकोरेज रिसर्च एंड एजुकेशन इन ऑल ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर, किसमें, ऑल ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल साइंस, टू फैसिलिट कोऑपरेशन एंड नॉलेज ट्रांसफर ऑन द ग्लोबल स्केल थ्रू इट्स सिंपोजिया एंड कांग्रेस। दोस्तों क्या कराते हैं, बड़े 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 फंक्शंस कराते हैं, सिंपोजियम और कांग्रेस कराते हैं, इसके माध्यम से इस सभी का प्रमोट करते हैं रिसर्च के लिए। तो ये इसका मेन फंक्शन था, किसका, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस का। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हॉर्टिकल्चर वालों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्नल इंडियन हॉर्टिकल्चर इज पब्लिश्ड बाय, तो दोस्तों किससे पब्लिश होता है ये, तो दोस्तों ये देखिए IARI, ICAR, काजरी, IHR। तो जो दोस्तों इंडियन हॉर्टिकल्चर है इससे कहाँ से पब्लिश होता है ये पूछा जाता है, तो इंडियन हॉर्टिकल्चर कहाँ से होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से होता है, ICAR से, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब IARI के बारे में आप समझ लीजिए दोस्तों, IARI के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, इन्हें को आप एग्रीकल्चर से सब जानते हैं, ICAR के बारे में सब जानते हैं, काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर, ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर, और IIH इंडियन इंस्टीट्यूट हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहाँ पर है ये दोस्तों, ये अपना बेंगलोर में 1968 में ये बना था। तो अब इसके अपन थोड़ा सा ICAR के बारे में हल्का सा अपन ब्रीफ जान लेते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है। 1926 रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर हेडेड बाय लॉर्ड लिनलिथगो सेटिंग अप द इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, क्या दोस्तों पहले क्या था, इम्पीरियल था, क्या था पहले, इम्पीरियल था, याद रखिए, टू प्रमोट गार्डन एंड कोऑर्डिनेटेड एग्रीकल्चर रिसर्च थ्रू द इंडिया, पूरे इंडिया में। 1928 में क्या, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर सबमिट इज रिपोर्ट, ये भी पूछा जाता है दोस्तों, उन्होंने रॉयल कमीशन अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 16 जुलाई 1929 ICAR वाज द सेटअप एज री रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर में किया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। तो ये दोस्तों कब रजिस्टर हुआ था, ICAR कब बना था, 16 जुलाई 1929, ये डेट पूछा जाता है दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। मार्च 1946 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जोगिंदर सिंह, कौन थे था प्रेसिडेंट, जोगिंदर सिंह, इट वाज द डिसाइडेड टू चेंज द इंपीरियल टू इंडियन, दोस्तों क्या किया था 1946 में, आजाद होने से थोड़े से पहले ही हमने क्या किया, इंपीरियल को इंडिया में, इंडियन में कन्वर्ट कर दिया, और जो किस तब प्रेसिडेंट कौन थे, जोगिंदर सिंह। 1963 द एग्रीकल्चर रिव्यू टीम हेडेड बाय डॉक्टर मैरियन डब्ल्यू फार्कर ऑफ USAID वाज अपॉइंटेड, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। 1965 फर्स्ट DG ऑफ ICAR वाज डॉक्टर BP पाल, ये आप याद रखिए, डॉक्टर BP पाल, कभी कभी BP पाल लिखाता है दोस्तों, वो नहीं, डॉक्टर BP पाल इनिशिएटेड ICAR पीस एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ICAR खान बहादुर सिंह सर। तो ये दोस्तों इनके मोहम्मद हबीबुल्ला जी जो थे खान बहादुर सर, तो ये क्या थे दोस्तों, उस टाइम प्रेसिडेंट थे। तो आपको ये याद रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में पढ़ सकते हैं, ICAR की मैंने साइड से लिया है दोस्तों। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो जो पब्लिश होती है वो ICAR से होती है, तो ये उसका एक ब्रीफ मैंने दिया था, ICAR का पब्लिशर वगैरह, तो सिर्फ ICAR याद रखिए, आप ICAR न्यू दिल्ली से पब्लिश होती है। मोस्ट अबंडेंट एंड बेसिक ऑक्सीजन इज IAA, NAA, IBA एंड 2,4-D, दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो क्या है, IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। तो दोस्तों जो इंडोल 3 एसिटिक एसिड आपको मालूम है नेचुरल हार्मोन है, कभी कभी ये कौन सा पूछा जाता है कि नेचुरल हार्मोन कौन सा ये है। NAA को फ्रूट ड्रॉप के लिए, फ्रूट ड्रॉप कंट्रोल करते हैं इस दोस्तों किस में, आपको मैंगो में 20 PPM। IBA रूटिंग हार्मोन है, 2,4-D वीडिसाइड है, ब्रॉड लीव्स को किल करता है।
तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए जो मैंने आपको चार पांच फंक्शन बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आता ही है। दोस्तों अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई वाटर यूज इफिशियंसी मीन्स हाई वाटर यूज इफिशियंसी किसकी होती है? आगे देखते हैं अपन, फ्लड इरिगेशन की, स्प्रिंकलर की, ड्रिप इरिगेशन की, ऑल ऑफ द अबव। तो इन दोस्तों में सबसे ज्यादा जो ड्रिप वाटर यूज इफिशियंसी किसकी होती है? ड्रिप इरिगेशन की। दोस्तों ड्रिप में क्या होता है कि पानी बूंद बूंद के रूप में डायरेक्ट रूट रूट जोन के पास जाकर टपकता है, तो हमको कम से कम वाटर की आवश्यकता होती है। फ्लड इरिगेशन में तो दोस्तों बहुत ज्यादा पानी वेस्ट होता है। स्प्रिंकलर में भी फ्लड से अच्छा इफिशियंसी स्प्रिंकलर की है, स्प्रिंकलर से अच्छी ड्रिप की है। प्रोट्रे आर रिलेटेड टू, दोस्तों प्रोट्रे जो होती है आजकल बहुत यूज हो रही है, तो इस किस रिलेटेड है? पोस्ट हार्वेस्ट, नर्सरी, प्रोसेसिंग एंड ट्रांसपोर्ट। तो दोस्तों ये नर्सरी ट्रे हैं। कैसी हैं? नर्सरी ट्रे हैं। आपने देखो वो जो नर्सरी में जो गोल गोल राउंड राउंड रहता है एक ट्रे में, जो काले ब्लैक ट्रे आती हैं आजकल, उनमें हम जो सीडलिंग बनाते हैं उसके लिए इसको यूज होता है। किसके लिए? नर्सरी के लिए। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, डिसीज प्री प्लांटिंग इन माइक्रो प्रोपेगेशन कैन बी ऑब्टेंड थ्रू। तो दोस्तों जो डिसीज प्री प्लांटिंग है वो किससे प्राप्त कर सकते हैं? मेरिस्टम कल्चर, एंथर कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर, सेल कल्चर। दोस्तों अगर इन सबको आपको बहुत डिटेल में समझना है तो हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, टिश्यू कल्चर वाला, जिसमें हमने आप बहुत डीप नहीं, बहुत सरफेस से, लेकिन सबका एग्जाम्पल वो डिटेल हमने समझाया है। तो दोस्तों डिसीज प्री प्लांटिंग तो सिर्फ माइक्रो प्रोपेगेशन से ही प्राप्त होता है। जो जो कौन सा माइक्रो प्रोपेगेशन? मेरिस्टम कल्चर से। कौन सा दोस्तों? मेरिस्टम कल्चर से। एंथर कल्चर किसके लिए करते हैं दोस्तों? हैप्लॉयड प्रोडक्शन के लिए करते हैं। किसके लिए? हैप्लॉयड प्रोडक्शन है। एम्ब्रियो कल्चर करने का क्या उद्देश्य होता है दोस्तों? एम्ब्रियो कल्चर करने का ये उद्देश्य होता है कि जहाँ पर पोलिनेशन का पोलिनेशन का कोई बैरियर होता है या फर्टिलाइजेशन का कोई प्रॉब्लम्स होती है, तो उससे हम बाहर आ सकते हैं। सेल कल्चर का दोस्तों, तो ये सोमा क्लोन वेरिएशंस के लिए हम सेल कल्चर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड फॉर पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अक्सर आता है, मेलिक हाइड्राजाइड, साइकोसेल, नेप्थिलीन एसिटिक एसिड एंड कोल्चिसिन। तो करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? कोल्चिसिन इज द करेक्ट आंसर। देखो मेलिक हाइड्राइड का फंक्शन क्या है दोस्तों? मेलिक हाइड्राइड का ग्रोथ रिटार्डेंट है ये ओनियन और पोटैटो में हम लोग इसको अप्लाई करते हैं कि स्प्राउटिंग को रोकने के। साइकोसेल भी एक ग्रोथ रिटार्डेंट है दोस्तों, तो साइकोसेल भी एक हम लोग यूज करते हैं। और साइकोसेल का दोस्तों जो मेन फंक्शन है, इसको मैंगो की बियरिंग के लिए यूज करते हैं। नेप्थिलीन एसिड का आप मैंने आपको भी बता ही दिया है, तो दोस्तों ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकिंग एन इंसर्जन बिलो अ बर्ड टू रिटार्ड इट्स ग्रोथ, तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? अगर किसी बर्ड के नीचे हम इंसर्जन करें तो उसको नेकिंग, रिंगिंग, नोचिंग, थिनिंग। तो दोस्तों जिसका जो सही आंसर है वो क्या है? नेकिंग। देखो दोस्तों बिलो बर्ड है, बिलो बर्ड को हम निकिंग बोलते हैं, और अबव बर्ड जो बोलते हैं नॉचिंग। तो दोस्तों अगर रिंगिंग, देखो आपको बताते हैं हम, निकिंग और नॉचिंग हम फिग में करते हैं। किसमें दोस्तों? फिग में करते हैं, पूना फिग में करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए। लेकिन रिंगिंग किसमें करते हैं? हम ग्रेप्स में करते हैं, रिंगिंग और ड्रिलिंग। तो ये और थिनिंग में हम ग्रेप में, थिनिंग तो बहुत सारे फ्रूट्स में करते हैं दोस्तों, टेम्परेट फ्रूट्स में फ्रूट थिनिंग करते हैं, ग्रेप्स में भी फ्रूट थिनिंग करते हैं। तो ये निकिंग इज द करेक्ट आंसर। जर्मिनेशन ऑफ सीड वाइल इट्स स्टिल रिमेन अटैच्ड विद द पेरेंट सोर्स, तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? ओविपोरी, एपोमिक्सिस, डिविपेरी एंड एसेप्सिस। तो जर्मिनेशन ऑफ सीड वाइल अटैच्ड रिमेन विथ पेरेंट सोर्स, तो दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बीबीपेरिंग। तो ये दोस्तों आज का हमारा एक छोटा सा वीडियो हमने आपके लिए बनाया था, तो आप इसको
दोस्तों अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़, अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा जो वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। और दोस्तों अगर हमारा आज का जो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।